मैं हिंदू धर्म को नहीं बदलना चाहता हूँ और मुझे मुसलमान नहीं बनना है, मेरी चाहे जान भोजी भोजी उड़ा दी जाए, मैं ये सब समस्त गाँव के सामने मैं ये कहने के लिए आज बाध्य हूँ, सबको अपनी बात सुना रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में धर्म परिवर्तन का खेल जोरों पर चल रहा है। बांदा सिटी में एक हिंदू परिवार के लड़के को मुस्लिम धर्म स्वीकार कराकर उसकी मुस्लिम लड़की से शादी करने का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक के पास पप्पू सैनी ने प्रार्थना पत्र देकर अपने बेटे विवेक सैनी को बचाने की गुहार लगाई है। हमारे संवाददाता राजीव द्विवेदी ने इस बारे में पड़ताल की, जिसमें जानकारी मिली है कि सनी जलालपुर में लगभग एक दर्जन परिवारों को मुस्लिम बनाया गया है। ये गाँव हथौरा मदरसे के ठीक बगल में है। यहाँ के लोगों पर मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। कई लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार कर अपना नाम बदल चुके हैं। धर्म परिवर्तन की खबर मिलने के बाद विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष लालपुर छनेरा पहुंचे। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के दबाव बनाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। पप्पू सैनी की शिकायत के बाद मौलवी को थाना देहात कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इतना परेशान किया जा रहा हूँ, इतना मुसीबत की घड़ी में मैं और मेरे बीबी बाल बच्चे, मेरा घर परिवार, मेरी जमीन जायदाद सारा कुछ हड़पने के लिए तैयार है। मेरे ऊपर गोली भी घाली गई। मेरा 12-13 साल का लड़का है, उसको जबरदस्ती 10,000 रुपये और साइकिल इसी मैदान में यहाँ पर गांव में ही दिन दहाड़े 12 बजे उस शख्स ने जबरिया खींच लिया और मारा और गाली गलौज किया। जब मैं कहने के लिए गया तो मेरी गोली मारी गई। पूरे गांव का नहीं बल्कि उस मोहल्ले का आदमी, समस्त आदमी इकट्ठे थे, जबकि सब लोगों ने देखा आज मेरे गरीब के साथ कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं मजबूर हूँ, जब गुहार लगाते जीने का मतलब मरना तो सबको एक दिन, जब मैं मजबूर गुहार लगाते लगाते थाना एसी एसपी सीओ चारों तरफ घूम गया तो मैं मजबूर होकर के लास्ट में हिंदू महापरिषद के साथियों के पास, अधिकारियों के पास और उनके सदस्यों के पास गया। तब मेरी बात को यहाँ तक उन लोगों ने सुनने के लिए और जानने के लिए मेरे गांव आए। मैं इससे महान खुश हूँ और मेरी जो भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो, मैं हिंदू धर्म को नहीं बदलना चाहता हूँ और मुझे मुसलमान नहीं बनना है, मेरी चाहे जान भोजी भोजी उड़ा दी जाए, मैं ये सब समस्त गाँव के सामने मैं ये कहने के लिए आज बाध्य हूँ, सबको अपनी बात सुना रहा हूँ। इसके बाद मरने के बाद कोई इस बात को सुनाने नहीं आएगा। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष ने परिवार से मुलाकात की। विवेक सैनी की मां ने बताया कि 10 साल पहले उनके बेटे से जबरन मुस्लिम धर्म स्वीकार कराया गया था। इसके अलावा कई दर्जन लोग मुस्लिम धर्म स्वीकार कर चुके हैं। ये कार्य इस इलाके में जोरों पर चल रहा है। खेती वेती कुछ नहीं है? तो खेती देने के लिए किया था मुसलमान? खेती तो उन्होंने लालच दी थी, कहा कि हम नहीं खेती देंगे तुम्हारे पालन पोषण को, पैसा ऐसा दिया होगा और का अब बेचारे की देखो हालत खा के। शादी कर रहा है लड़की मुसलमान ने, जैसे शादी की है तो शादी से पहले मुसलमान हो गया था कि बाद में हो गया? पहले हो गया है। तुम अब ये तो हिंदू है, ये कौन जात की? तुम्हारी बिरादरी की है? कोष्टा बिरादरी, कोष्टा। तो तुम्हू दाई मुसलमान बन गई हो? नहीं नहीं नहीं, दाई नहीं मुसलमान बनी, दाई नहीं। आपको भी कहते मुसलमान बनने के लिए? अरे कहा कहे, उनके कहने से मुसलमान बन जाएंगे? नमाज वमाज भी पढ़ता होगा सब? ये क्षेत्र पंचायत सदस्य है, पूर्व में क्षेत्र पंचायत सदस्य थी। इसका ध्यान रखना, इसको हमारी कोई जरूरत हो या इसके लड़के की तो कहाँ का इलाज? चंदू सैनी ने बताया कि पलानी तहसील के निषाद परिवार के डॉक्टर मोतीलाल ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया है। वो दिल्ली में ओखला एरिया में मुस्लिम धर्म के लिए कार्य करते हैं। वो कई लोगों को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है। धर्म परिवर्तन के लिए मोतीलाल ने देहात कोतवाली रोड पर एक आश्रम बना रखा है। यहाँ पर लोगों को कुरान के बारे में जानकारी दी जाती है, उन्हें मुस्लिम धर्म स्वीकार करने के लिए लालच दिया जाता है। लोगों ने धर्मांतरण कैसे कराया, मतलब आप हिंदू हो, आपके बेटे को मुस्लिम कैसे बनाया गया? इन लोगों ने जबरदस्ती इसे पकड़ करके जो है पैसे की लालच देते हुए इसे जबरदस्ती जो है निकाय करवाया, लड़के का कोई अभी पता भी नहीं चल रहा। अच्छा, ये किस व्यक्ति ने कराया और ये किस दिन धर्मांतरण कराया गया? अभी ये जो है व्यक्ति तो मुझे इनका वकील जो है अशरफ अली है, जो इन्होंने ही करवाया है और इनसे अगर हम पूछते तो ये हमें कोई जानकारी नहीं देते, हमसे कहते कहीं कुछ ऐसे नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं।
पुलिस अधीक्षक बांदा अभिनंदन ने हमारे संवाददाता राजीव द्विवेदी को इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शिकायत के बाद धर्म परिवर्तन करवाने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जांच चल रही है। ये प्रकरण हम लोग के संज्ञान में आया है जिसमें कि एक व्यक्ति ने एक एप्लीकेशन दी, उसने शिकायत की कि उसका बेटा कुछ टाइम से मिसिंग चल रहा है। उसके बाद उसका कहना है कि उसे ये पता चला कि उस लड़के ने धर्म बदल कर अपनी शादी कर ली है। इस चीज़ को हम लोगों ने जैसे ही इस एप्लीकेशन को हम लोगों को मिली, ये चीज़ जैसे ही हमारे संज्ञान में आई, तत्काल हम लोगों ने अपनी टीमों को लगा दिया है और उनके तहरीर पर हम लोग मुकदमा कायम कर रहे हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम लोग, और आगे जो भी कुछ इन्वेस्टिगेशन के आधार पर मिलेगा उसके आधार पर कार्रवाई। सर, धर्मांतरण कराने में किसी स्थानीय अधिवक्ता का भी नाम आ रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि स्थानीय अधिवक्ता है जिन्होंने आकर उनको ये सूचित किया कि ऐसा हुआ है, उनके रोल को भी इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा और जो भी लोग इसमें दोषी हुआ उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पे सर छनेहरा लालपुल करके थाना देहात कोतवाली में एक गांव पड़ता है, उसमें भी दो परिवारों का धर्मांतरण का मामला सामने आया है। और एक यहां पे देहात कोतवाली रोड पे एक डॉक्टर मोतीलाल प्रजापति हैं, उन्होंने एक आश्रम यहां बनाया है और उन्होंने भी मुस्लिम धर्म स्वीकार किया है। वो इस समय दिल्ली रहते हैं और यहाँ आते जाते हैं। अच्छा, ये इस तरह की चीज़ें संज्ञान में नहीं है हमारे, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।